हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द टेस्ट फ्रॉम देयर मोबाइल फ़ोन। उन बच्चों के लिए ये मैनुअल है जो कि मोबाइल फ़ोन से टेस्ट लेना चाहेंगे। उनके पास एक एंड्रॉयड या आईफोन होना ज़रूरी है। एंड्रॉयड यूज़र्स जो हैं वो गूगल क्रोम पे ही खोलें इस टेस्ट को, और आईफोन यूज़र्स जो हैं वो सफारी ब्राउज़र पे खोल सकते हैं। फ्रंट कैमरा होना बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट को लेने के लिए। इस तरीके का लॉगिन पेज आपको दिखेगा। जिस यूआरएल पे आपको क्लिक करना है वो मेल पे आपके पास आएगा, और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मेल पे आपके पास पहुंचेगा। एक दिन पहले आपको ऐसे लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डालना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें। प्लीज़ कॉपी पेस्ट ना करें अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को, प्रॉपरली टाइप करें। जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके का आपको पेज दिखेगा। मॉक एग्ज़ाम आपको असाइंड होगा, एक टेस्ट असाइंड है, एक ही बार मौका मिलेगा, 90 मिनट्स का टेस्ट है। आप नीचे देख पाएंगे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक चैटबॉट है। इस तरीके से आप जो फ्यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसके आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस और भी ज़्यादा हैं जो इसके थ्रू नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो आपको एक आईवीआर नंबर दिया जाएगा जो कि आपके मोबाइल पे, आपकी ईमेल पे आया होगा। प्लीज़ उस पर कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आप मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट आपको एक ही बार देने का मौका मिलेगा, तो गलती से टेस्ट को पहले सबमिट ना करें, और ब्राउज़र्स जो हैं वो सही यूज़ करें जो आपको रिकमेंड किए गए होंगे ईमेल पे या आपके मैनुअल्स पे। अब आप इसमें कंटिन्यू पे आगे क्लिक करेंगे और आप आगे मूव कर पाएंगे। आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है लॉगिन करने का, तो प्लीज़ उस टाइम में लॉगिन करें। उससे पहले प्रॉपरली पूरे इंस्ट्रक्शंस रीड करें और टाइम को ना गंवाएं अपने। अब आप इस पेज पे आए हैं। इस पेज का नाम होता है एनवायरनमेंट चेक पेज। यहाँ पे आप प्रोसीड नाउ करेंगे तो आपको चार चीज़ें दिख रही हैं जिस पे टिक मार्क होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी भी एक चीज़ पर अगर टिक मार्क नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपका कैमरा और माइक्रोफोन इनेबल्ड होना बहुत ज़रूरी है। सजेस्टेड ब्राउज़र्स और इंटरनेट स्पीड। तो अगर आपका कैमरा या माइक्रोफोन कोई भी एक चीज़ नहीं चल रही है ठीक से, तो आपको उसको सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ेगा। वो सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेंगी? ब्राउज़र पे ऊपर आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में लॉक का बटन दिख रहा है, वहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको परमिशन अलाउ करना होता है। अदरवाइज़ आप अपने ब्राउज़र पे सेटिंग्स पे जाके साइट सेटिंग्स में भी ओपन कर सकते हैं। फिर आप जब कंटिन्यू करेंगे इस चारों टिक के बाद, तो आपका फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करने को कहा जाएगा। आप फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करें, ऑटो रोटेट कर दें, और आप इस पेज पे आएंगे। इसको बोला जाता है वेटिंग लाउंज या इंस्ट्रक्शंस पेज। लगभग आधे घंटे के लिए आप वेटिंग लाउंज में रहते हैं जब तक आपका टेस्ट का स्टार्ट टाइम नहीं आता। यानी अगर आपका कल 10:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, लॉगिन टाइम है, और 11 बजे तक आपको लॉगिन करना है, 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आधा घंटा आप इस पेज पे रहेंगे। इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम टाइम में ना हो। इसमें हर तरीके के इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं, नेविगेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपके टेस्ट से रिलेटेड। जब आपका ओवर हो जाएगा टाइम यहाँ पे वेटिंग लाउंज, तो ये प्रोसीड नाउ का बटन जो पहले ग्रे था वो अब ग्रीन कलर का हो गया है, और आपको ऊपर यहाँ डिक्लेरेशन में टिक लगाना ज़रूरी है कि आपने हर चीज़ सही से पढ़ ली है। जब आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब आप आ जाएंगे अपने पहले क्वेश्चन पे, यानी कि टेस्ट विंडो पे आ जाएंगे, और अब आप अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। आप अब इस समय अपने प्रॉक्टर्स को विजिबल हैं, यानी कि कुछ रिमोट प्रॉक्टर्स और इन्विजिलेटर्स हैं जो कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आप टेस्ट में क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके आसपास कौन है कौन नहीं। तो ज़रा ध्यान से टेस्ट दीजिएगा। आपको ये पूरा टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको एक ही सही आंसर है, उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आपका प्रॉक्टर आपको मैसेज भी भेज सकता है, और आप भी प्रॉक्टर को मैसेज भेज सकते हैं इस चैट विंडो के द्वारा। जब आप मैसेज भेज दें या मैसेज रीड कर लें तो इसको मिनिमाइज कर दें, ताकि आपको क्वेश्चन को या ऑप्शंस को देखने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे ही आप एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं आंसर पे, आप नेक्स्ट मूव करिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक, फिर ऑप्शन पे क्लिक करिए, नेक्स्ट मूव करिए। गलती से एंड टेस्ट का बटन मत दबाइएगा, क्योंकि अगर आपने एंड टेस्ट का बटन दबा दिया तो यानी आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। टेस्ट विंडो के अलावा कहीं भी और मूव करते हैं तो इस तरीके की वार्निंग आएगी। जब आपकी मैक्सिमम वार्निंग ओवर हो जाएंगी, जो कि ऑलरेडी सिस्टम में सेट की गई हैं, तो आपका टेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। तो ध्यान दें कि
करके आप टेस्ट आप नेविगेट ना करें। नेविगेशन काउंट जो है वो तब भी आएगा जब आप मोबाइल फ़ोन से टेस्ट ले रहे हैं और आपके पास बार बार किसी का फ़ोन आ रहा है या मैसेजेस आ रहे हैं या आपके पीछे से नोटिफिकेशंस ऑन हैं, कोई भी पॉपअप ऑन है और बीच में टेस्ट के बीच में वो पॉपअप आया और आपने उसको स्वाइप कर लिया या उसको ओपन करके देख लिया, ये सब नेविगेशन काउंट में काउंट हो जाएगा और आपके प्रॉक्टर्स के पास भी ये सारा नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप कैमरे के सामने ठीक से नहीं बैठे हैं, भले ही आप मोबाइल से फ़ोन टेस्ट ले रहे हों, तो आपका कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा है और आपके प्रॉक्टर को नोटिफिकेशन जाता रहेगा कि आप सही से नहीं बैठे हैं टेस्ट में। ध्यान दीजिए, टेस्ट में ध्यान से बैठें प्लीज़, सही तरीके से एग्ज़ाम दें, इस तरीके से फ़ोन को रखें कि उसमें आपका फेस सही से नज़र आए, क्योंकि ये एक प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम है, प्रॉक्टर आपका फेस देखना चाहेगा और बीच में आपको मैसेजेस भी करेगा, इसीलिए तो आप ऐसा फ़ोन अपनी फ़ोन की पोजीशन इस तरीके से रखें, आपके रूम जहाँ पे आप टेस्ट ले रहे हैं उसकी लाइटिंग सही तरीके से रखें और सही से टेस्ट दें। जब आप टेस्ट दे चुके हों तो एंड टेस्ट पे क्लिक करिए और इस तरीके का मैसेज आएगा, अगर आप यस सबमिटेड पे क्लिक करते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने टेस्ट को सबमिट कर चुके होंगे। अगर आपने बीच में ही एक दो क्वेश्चन के बाद गलती से ये बटन दबा दिया तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, इसलिए ध्यान दें कि टेस्ट तभी सबमिट करें जब आप पूरी तरीके से एंड कर चुके हों।